अंडरवर्ल्ड डॉन एवं इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 27 दिसंबर 1955 को जन्मे थे। उनके पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इनकी मां का नाम अमीना भी है। दाऊद इब्राहिम का मन पैसे कमाने की ललक में शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों में लगने लगा, जिसकी वजह उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दाऊद किशोर अवस्था से ही शराब पीने, नशा करने जैसी बुरी आदतों का शिकार हो गया था। यही नहीं, अपने इन शौक को पूरे करने के लिए वह छोटी उम्र से ही चोरी, ड्रग सप्लाई, डकैती, लूटपाट आदि अपराधों को अंजाम देने लगा था। दाऊद की गर्लफ्रेंड्स, शादी और बच्चे। दाऊद का नाम भारतीय सिने अभिनेत्री मंदाकिनी से भी जुड़ चुका है। इन दोनों के शादी करने तक की खबरें मीडिया में आई थी। फिलहाल दाऊद के घर वालों ने उसकी आपराधिक हरकतों से परेशान होकर उसकी शादी महजबीन उर्फ जुबीना जरीन से करवा दी। शादी के बाद उसे महरीन माजिया और माहरुख नाम की 3 बेटियां हुई, जबकि मोइन नवाज नाम का बेटा हुआ। उसकी सबसे छोटी बेटी मारिया की मौत हो चुकी है। उसने अपनी बड़ी बेटी माहरुख की शादी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनेद से करवा दी और माहरीन की शादी पाकिस्तानी अमेरिकी अयूब से करवा दी, जबकि बेटे मोइन की शादी सानिया नाम की लड़की के साथ करवाई है। दाऊद इब्राहिम ऐसे बने डॉन। मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को शुरू से ही गलत शौक और बुरी आदतों की वजह से आपराधिक गतिविधियों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। उसने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के साथ लूटपाट कर पहली आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया। हालांकि उसे अपने इस करतूत के लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल से छूटने के बाद दाऊद में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की गैंग के साथ जुड़ गया और क्रिमिनल गतिविधियों को अंजाम देने लगा। लेकिन इसके बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी एक अलग क्राइम गैंग बना ली। दाऊद इब्राहिम को 1980 के दशक से पहले डॉन के रूप में ऐसी कोई खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद इसका नाम मुंबई अपराध जगत में तेजी से उभरा। 80 के दशक में दाऊद का नाम अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन गया था, जो कि फिल्म फाइनेंसिंग से लेकर सट्टेबाजी तक का काम करता था। वही अब तक की दाऊद की आपराधिक गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी थी कि वो लोगों को डरा धमका कर फिरौती वसूल करने लगा था, जिसकी वजह से वो मुंबई पुलिस की नजरों में एक अपराधी के रूप में चढ़ गया और अपने गुनाहों के लिए उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन हर बार वह जेल से छूट जाता और नई जुर्म की वारदात को अंजाम देता था। 12 मार्च 1993 में मुंबई में अलग अलग जगह भयानक बम विस्फोट हुए, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हो गई और 700 लोग घायल हो गए। जांच में दाऊद का नाम मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड के रूप में उभरा, जिसके बाद वह अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े और इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन बन गया। हालांकि इस बम धमाके में छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोनों अलग हो गए। दाऊद पाकिस्तान चला गया, लेकिन वहां कराची में रहकर भारत के खिलाफ अपना जुर्म जारी रखा। इसके बाद 2005 में भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसकी बेटी माहरुख की शादी के रिसेप्शन में उसे मारने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान लीक होने की वजह से वह बच निकला। वही समय समय पर दाऊद को भारत पर लाने की मांग उठती रही और भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाती रही, लेकिन दाऊद अपना ठिकाना बदलता रहा और अभी तक नहीं पकड़ा गया। आज भी वह भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है। अपने नाम और पहचान बदलकर देता रहा गुनाहों को अंजाम। कई रिपोर्ट्स और किताबों के मुताबिक दाऊद ने
13 बार अपनी अलग अलग नाम और पहचान बदलकर अपराध की वारदात को अंजाम देता रहा। इसके बारे में यह भी प्रसिद्ध है, उसने कई बार पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए अपने चेहरे की सर्जरी भी करवाई है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के बारे में ऐसी भी खबरें है कि पाकिस्तान में वो शेख दाऊद हसन के नाम से रह रहा है। इसके बाद डेविड भाई, अमीर साहब, हाजी साहब आदि के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसके अलावा दाऊद के कई अलग अलग ठिकाना होने का भी दावा किया जाता है। दाऊद के पास 4 पासपोर्ट होने का भी दावा किया गया है। दाऊद पर बनी फिल्में, अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम के जीवन पर बॉलीवुड में कंपनी डी शूटआउट एट लोखंडवाला, ब्लैक फ्राइडे और डी डे, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई आदि फिल्में बन चुकी है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े चर्चित विवाद। 1993 में मुंबई में हुए भयानक बम विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को ही माना जाता है। इस बम विस्फोट में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को लेकर कुछ खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया था कि वह ब्रिटेन सिंडिकेट पश्चिमी यूरोप में बड़े स्तर पर नशीले और मादक पदार्थों का संचालन कर रहा है। दाऊद के संबंध अलकायदा आतंकी संगठन के नेता ओसामा बिन लादेन से होने का भी दावा किया गया था। इसके अलावा दाऊद के संबंध अन्य बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दाऊद इन संगठनों की खाने पीने की व्यवस्था समेत फाइनेंशियली मदद भी करता है। साल 2003 में दाऊद इब्राहिम को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट वैश्विक आतंकवादी करार दिया गया था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।